प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:30 बजे बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले हैं। उनके आने के लिए सभी तैयारियां अब मुकम्मल कर दी गई हैं, इंतजाम कर दिए गए हैं। मंदिर को फूलों से बेहतर तरीके से सजा दिया गया है और मंदिर परिसर के अंदर जो भी जो अंतिम तैयारियां होती हैं उनको भी पूरा कर लिया गया है। मंदिर में जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रेड कार्पेट बिछाई गई है और मंदिर परिसर के जो तमाम लोग हैं वो पूरी तरह से तैयारियों में जुटे हुए हैं। सुरक्षा के जवान यहाँ पर आ गए हैं, हर तरह से व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है। यानी कि क्योंकि बद्रीनाथ धाम 11:30 बजे पहुँचेंगे, उससे पहले पहले सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करना है। और यहाँ अगर देखेंगे तो जो तमाम जो लोग हैं जो यहाँ मंदिर परिसर में रुके हुए थे, जो यहाँ पहुँचे थे, जो दर्शन के लिए आए थे, उनको पुलिसकर्मियों ने यहाँ से अब बाहर भेजना शुरू कर दिया है। यानी कि जो काउंटडाउन है वो शुरू हो गया है। अभी केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच गए हैं और उनके इस दौरे के लिए बेहतर तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ आकर वो 3400 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे और जो भारत चीन बॉर्डर पर अंतिम गाँव माड़ा है वहाँ के लोगों से मुलाकात भी करेंगे। उनके द्वारा जो हस्तकर्धा के तौर पर जो हैंडमेड तमाम सामान बनाए जाते हैं उनका अवलोकन भी करेंगे। अब प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा है, वो यहाँ आएंगे, उससे पहले सभी तरह तैयारियाँ मुकम्मल कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में भगवान बद्रीनाथ के दरबार में पहुंचने वाले हैं। उनके आने के लिए सभी तैयारियां पुख्ता कर दी गई हैं, सभी इंतजाम हो गए हैं। जहां पर मैं खड़ा हूं इस वक्त, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्लीट आकर रुकेगी और ये बैरिकेडिंग इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि यहाँ से अब किसी भी सामान्य व्यक्ति को जाने की परमिशन नहीं है और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रास्ते से होते हुए सीधे भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए पहुँचेंगे। और देखिए पूरी तरह से जो रास्ता है, जो पहले यहाँ से यात्री जाते थे, उसको कितने खूबसूरत तरीके से सजा दिया गया है और ये जो दुकानें हैं इनको ओपन रखा जाएगा। इससे ऊपर की जो मार्केट है उनको बंद करने के आदेश कर दिए गए हैं, वो सभी मार्केट बंद हो गई है। लेकिन यहीं इस रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे और उसके बाद वहीं पर पूजा अर्चना करेंगे। यहाँ से अगर आप मंदिर की दूरी अगर देखेंगे तो लगभग 200 से 250 मीटर के करीब ये दूरी है और इसी दूरी को तय करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दुकानदार से मिलते हुए सीधे भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे। यहाँ पर जो दुकान है ये काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर रहते हैं, हम दुकानदार से एक से बात भी कर लेते हैं, वो यहीं बैठे हुए हैं। आपकी दुकान खुली रहेगी? हाँ जी, आज दुकान खुली रहेगी। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो क्या क्या आप कहेंगे, किस तरह से आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री? तो आपने उससे आ रहे सर वो करने के लिए, मास्टर प्लान का निरीक्षण करने के लिए, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। अच्छा। तो ये दुकान आपकी खुली रहेगी, आपसे भी मुलाकात करेंगे यहाँ से जाते वक्त? अब वो तो वही जाने, अब मुलाकात पहले बार आए थे तो सबको हाथ जोड़ के गए थे, यहीं से गए थे सर। तो कितनी खुशी है आप लोगों को मास्टर प्लान के तहत यहाँ काम होंगे, अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा? तो मास्टर प्लान के लिए तो वो बहुत अच्छा है, पर जो यहाँ के स्थानीय जो व्यापारी हैं अब उनको भी दुकान बना के देना चाहिए उनको। अब हम तो कम से कम 30-35 साल यही हमारा यही व्यवसाय यही रोजगार है। हाँ जी, अब 6 महीने यही दुकानदारी करते हैं, 6 महीना अपना रोजगार वही इसी से चलता है। तो देखिए ये थोड़ी सी मांग भी है इन लोगों की और यहाँ आप देखेंगे तो क्योंकि मास्टर प्लान के तहत इन सभी दुकानों को यहाँ से हटा दिया जाएगा, रीडेवलपमेंट इसका किया जा रहा है और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जो यहाँ के वर्क हैं, जो यहाँ पर काम किए जाने हैं, इस तरह से ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊँ तो ये जो बद्रीनाथ धाम का जो रीडेवलपमेंट है वो इस तरह से ये किया जाना है। ये डमी इसकी आपको यहाँ नज़र आ रही होगी, यहाँ पर ये तमाम जो तस्वीरें हैं इस तरह से भगवान बद्रीनाथ धाम का रीडेवलपमेंट किया जाना है। अलग अलग जगह पर यहाँ इस तरह से तमाम चीज़ें निर्मित की जानी है, ये इस तरह के जहाँ पर बोर्ड लगा दिए गए हैं और यहाँ से तमाम जो नीचे होटल्स बने हुए हैं, तमाम जो ये सब मकान बने हुए हैं उन सबको हटा दिया जाएगा और बद्रीनाथ धाम की सीधी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। यहीं पर एक सुंदर तरह से पूरा रिडेवलपमेंट प्रधानमंत्री के प्रोजेक्ट के तहत होगा और वहीं इसी तमाम चीज़ों का यहाँ से प्रधानमंत्री अवलोकन करेंगे, देखेंगे, उनका निरीक्षण भी करेंगे और यहीं से प्रधानमंत्री फिर वापस आएंगे और उसके बाद माड़ा जो गाँव है उस गाँव में जाकर तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर व्यवस्थित कर दी गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के लिए और अब कुछ देर बाद जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आकर पूजा अर्चना करेंगे, आधे घंटे भगवान बद्रीनाथ के दरबार में रहेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद जो भारत चीन बॉर्डर पर अंतिम गाँव है माड़ा वहाँ लोगों के साथ मुलाकात करेंगे, एक छोटी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बद्रीनाथ धाम से अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।